Good morning, dear children. Welcome back to our maths class. Today we are going to do page number 48, problem sums related to addition. So we have, let us do exercise and problem sums number 1. Raju, the farmer, has 142 cows, 246 sheep and 152 hens in his farm. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन हिज फार्म. एक फार्मर है राजू, उसके पास 142 काउज हैं, 246 शीप हैं, 152 हेंस हैं उसके फार्म में. अब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं उसके फार्म में. तो हम कैसे करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ काउज, नंबर ऑफ शीप, नंबर ऑफ हेंस को, तो हमें पता चल जाएगा कि राजू के फार्म में टोटल कितने एनिमल्स हैं. तो चलिए हम कॉपी करते हैं बुक में. काउज कितनी है, 142. शीप कितनी है, 246. और हेंस कितनी है, 152. अब हम इसको ऐड करेंगे. तो देखिए, चलिए 6 + 2 + 2, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 के बाद से फिर 2 काउंट करिए, 9, 10. तो कितने हुए हमारे, 2 + 6 + 2, 10. तो 10 का हम 0 यहीं लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर करेंगे. अब देखिए 1 + 4 कितना होता है, 1 के बाद से काउंटिंग करिए, 2, 3, 4, 5. अब 5 + 4 कितना होता है, 6, 7, 8, 9. अब 9 + 5 कितना होता है, 10, 11, 12, 13, 14. तो चलिए 4 लिखते हैं और कैरी करते हैं हम 1. अब देखिए 1 + 1, 2. 2 + 2, 3, 4. 4 + 1, 5. तो टोटल एनिमल्स कितने हो गए राजू की फार्म में, 540 एनिमल्स हो गए. ठीक है, समझ में आया. हमने क्या किया, राजू के पास 142 काउस थी, 246 शीप्स थी, 152 हेंस थी. हमें टोटल एनिमल्स पता करना था राजू के फार्म में, तो हमने तीनों के नंबर्स को ऐड अप कर दिया. अब राजू के फार्म में कितने एनिमल्स हो गए हैं, 542. चलिए ये क्वेश्चन हम अपनी क्लास वर्क कॉपी में कर लेते हैं. तो चलिए, हमने डैश डैश करके क्वेश्चन उतार लिया है, एक्सरसाइज लेट्स टू कॉपी कर लिया है. अब देखिए काउस कितनी है, काउस इक्वल टू, काउस कितनी है हमारे पास राजू के पास, 142. अब शीप कितनी है, शीप इक्वल टू, शीप कितनी है हमारे पास, 246. अब हेन कितनी है हमारे पास, मतलब राजू के पास, हेन है राजू के पास 152. प्लस का साइन लगाएंगे हम कलर्ड पेंसिल की हेल्प से, 1, 10, 100 लिखेंगे. अब हम क्या लिखेंगे, टोटल एनिमल. टोटल एनिमल्स इक्वल टू, ठीक है, कितने हुए, 2 + 6 + 2. तो पहले 2 के बाद से काउंट करना चालू कीजिए 6 फिंगर्स तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 के बाद से 2 फिंगर्स तक काउंट करिए, 9, 10. तो कितना आया, 10 का 0 यहाँ, कैरी ओवर 1. अब देखिए 1 + 4 कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5. 5 + 4, 6, 7, 8, 9. 9 + 5, 10, 11, 12, 13, 14. तो यहाँ लिखेंगे 4 और कैरी ओवर कर देंगे 1. सो 1 + 1, 2, 3, 4 और 1, 5. तो टोटल एनिमल्स कितने हो गए, 540. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर 2,
Number of stamps collected by Rahul are 258. His father gave him 275 more stamps. How many stamps does he have in all? अब देखिए, एक बच्चा है राहुल, उसके फादर ने उसे स्टैम्प्स कलेक्ट करने के लिए दिए। तो स्टैम्प्स क्या होते हैं? जो पहले के टाइम में लेटर्स एक दूसरे को डालते थे तो उसमें स्टैम्प लगते थे, टिकट्स, तो उसे स्टैम्प्स कहते हैं। तो राहुल के पास कितने स्टैम्प्स हैं? 258 हैं। अब राहुल के फादर ने 275 स्टैम्प्स और दे दिए, तो आपको बताना है टोटल स्टैम्प्स कितने हुए हैं। तो चलिए हम करते हैं, पहले कितने थे? 258। राहुल के फादर ने कितने दे दिए? 275। तो प्लस करते हैं कितना होता है? 8 के बाद से 5 फिंगर्स को लिए, 9, 10, 11, 12, 13। सो 3 कैरी ओवर 1। सो 1 के बाद से 5 फिंगर खोलिए, 2, 3, 4, 5, 6। 6 के बाद से 7 फिंगर खोलिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 13। सो 3 कैरी ओवर 1। नाउ 1 प्लस 2, 1 के बाद से 2 फिंगर खोलिए, 2, 3। 3 के बाद से 2 फिंगर खोलिए, 4, 5। तो हो गया आंसर हमारा 533। चलिए हम क्लास वर्क कॉपी में करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए, स्टैम्प्स विथ राहुल, राहुल के पास कितने स्टैम्प्स हैं? 258। अब पापा ने कितने दिए हैं? मोर स्टैम्प्स कितने दिए हैं राहुल को? दिए हैं फादर ने 275। अब हम इसको ऐड करते हैं और कलर पेंसिल की हेल्प से ऊपर 1, 10 और 100 लिखते हैं, ठीक है? अब देखते हैं क्या होता है प्लस करने पर। यहाँ कितना आ जाएगा? टोटल स्टैम्प, ठीक है? दिस इज आवर आंसर। सो 8 प्लस 5, 8 के बाद से 5 फिंगर खोलिए, 9, 10, 11, 12, 13। सो 3 एंड कैरी ओवर 1। नाउ 1 के बाद 5 फिंगर खोलिए, 2, 3, 4, 5, 6। 6 के बाद से 7 फिंगर खोलिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सो 3 कैरी ओवर 1। 1 प्लस 2 इज 3। 3 के बाद से 2 फिंगर खोलिए, 4, 5। तो आंसर कितना हो गया? 533। ओके चिल्ड्रेन, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। देर आर 250 बॉयज एंड 185 गर्ल्स स्टडिंग इन अ स्कूल, वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। एक स्कूल है, आप सब भी स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे ही एक स्कूल में 250 बॉयज हैं और 185 गर्ल्स हैं। अब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में। तो चलिए हम करते हैं, बॉयज कितने हैं? 250। गर्ल्स कितनी हैं? 185। अब ऐड करते हैं टोटल नंबर, 0 प्लस 5, 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं, मैं अगर 5 ऐड कर रही तो 5 का 5 ही आएगा। 5 प्लस 8, 5 के बाद से 8 फिंगर खोलिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सो 3 एंड कैरी ओवर 1। नाउ 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, आंसर इज 435। अब हम ये क्वेश्चन अपनी क्लास वर्क में करते हैं, क्लास वर्क कॉपी लीजिए। हमने ये क्वेश्चन हमारी क्लास वर्क कॉपी में कॉपी कर लिया है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 250। सो 250। अब नंबर ऑफ गर्ल्स देखिए कितने हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू
185। अब टोटल स्टूडेंट्स लिखेंगे हम, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, हम टोटल करेंगे और यही हमें निकालना है कितने हैं। तो चलिए हम टोटल करते हैं। इसके पहले हम कलर्ड पेंसिल की हेल्प से वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड लिखेंगे। वंस, टेंस एंड हंड्रेड। चलिए ऐड करते हैं। ज़ीरो प्लस फाइव हमेशा फाइव ही आएगा, किसी भी नंबर में जो नंबर ऐड करते हैं ज़ीरो में तो वही का वही नंबर आता है। फाइव प्लस एट, फाइव के बाद से फिंगर खोलिए, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन। थर्टीन का थ्री यहाँ लिखेंगे, वन कैरी ओवर करेंगे। सो वन के बाद से काउंट करिए टू तक, टू, थ्री, टू के बाद, थ्री के बाद से काउंट करिए वन तक, फोर। तो कितने हो गए, फोर। हमारा आंसर हो गया 435 है टोटल स्टूडेंट्स स्कूल में। ओके चिल्ड्रेन, अब नीट एंड क्लीन अपनी क्लास और कॉपी में प्रॉपरली कॉपी कर लीजिए, अपनी क्लास और कॉपी कंप्लीट करिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।